नमस्कार दोस्तों, यूनिक गार्डन पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने जो इंग्लिश रोज की कटिंग लगाई, उसके बाद मैंने जो वाइल्ड रोज, जो जंगली गुलाब होता है जिस पे ग्राफ्ट की जाती है, उसकी भी कटिंग मैंने 3 ट्रे में लगा दी है। और लगभग ये 100-110 के 40 खंदे का एक है। तो मतलब उसमें मैंने जब स्पेस बच गया तो उसमें ये मैंने प्लांट लगा दिए। तो लगभग 100 से ऊपर मेरा 110 के करीब, 110 बाय करीब ये लग गया। और फिर मैंने इसकी जो बड़ी बड़ी कटिंग है वो लगा दी, ये देख सकते हैं। तो ये मैंने स्टैंडर्ड गुलाब बनाने के लिए लगाई है। एक की हाइट 1.5 फीट और 2 फीट के करीब में है। तो इसे भी मैंने इसे इसमें कोकोपीट और परलाइट के मिश्रण में लगा दिया है। रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया मैंने। तो ये देखिए, लगभग अगर ध्यान इसमें सारे में अब स्प्राउटिंग हो रही, लगभग मुझे 10 दिन हो गए हैं इसे लगाने। मैंने इंग्लिश रोज लगाने के बाद मैंने इसे लगा दिया, तो ये भी मेरा तैयार हो जाएगा। तो मैं इस पे सिंगल भी ग्राफ्ट कर दूंगा और डबल, विशेष मैं डबल ग्राफ्टिंग के लिए इसे लगाया हूँ, क्योंकि मैं तो सिंगल के लिए मैं कटिंग से ही ग्रो कर ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कटिंग की अपडेट क्या है। तो जो हमने कटिंग की थी, जो मदर प्लांट्स थे, तो उनमें देखिए काफी अच्छी ग्रोथ आ गई है। ये थोड़ा सा लगता है जैसे डिस्टर्ब हो गया हो। तो इस पे देखते हैं इस पे कब इसकी ग्रोथ होती है। बाकी ये देखिए, इसमें बर्ड भी आ गए हैं और ये काफी ज्यादा स्पीड ग्रोथ किया है। हमारी जो है सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और जो हमारे जो मैंने 3 कटिंग से ग्रो किए थे, तो उसमें भी काफी अच्छे ग्रोथ चल रही है। ये देखिए, व्हाइट वाले में तो फ्लावर आ गया। तो इसे भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, बकेट रोज। और ये जो है हमारा येलो कलर का है, तो इसकी तो वीडियो काफी सारी मौजूद है। तो इसमें देखिए, इसमें जो स्कल कहते हैं, जो चित्ती जैसा लग जाता है, वो हो गया था। तो मैंने इसे साफ कर दिया था। तो अभी देखिए कि इसमें ग्रोथ आ गई है। उसे कोई अगर ये खराब भी हो जाता है तो नीचे से एक ग्रोथ यहाँ से निकल रही है। तो जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे आप हटा सकते हैं, आराम से वो ग्रो करेगी। तो कटिंग से ग्रो करने का यही एक फायदा है कि आपका जो वाइल्ड रोज है वो नहीं निकलेगा, और जो भी ब्रांच निकलेगी सो इसकी अपनी होगी। तो इसमें भी आपका फ्लावरिंग हो रहा है। और जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो ये देखिए, जितने सारे कटिंग से मैंने ग्रो किए थे वो सारे में देखिए पत्ती आ गई है ग्रोथ। और लेकिन इसमें से कुछ खराब भी हो गए, देखिए कुछ खराब भी हो गए, कुछ की ग्रोथ काफी अच्छी आ गई है, ये देखिए। तो ये तो कॉमन सी बात है कि इसमें खराब होना ही लगभग इस बार तो मेरा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी काफी अच्छा हुआ था, लेकिन उससे बहुत अच्छा ज्यादा है मेरा इस बार का सक्सेस रेट। तो हमको लगता है कि 12-13 दिन हो गए हैं इसको ग्रो किए हुए। इसकी अभी रूटिंग हुई है कि नहीं हुई है देखते हैं। ये देखिए दोस्त, ये 10-12 दिन में ही इसकी रूट हो गई है। ये तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हमको लगभग 12-13 दिन हुए हैं। मैंने 8 या 7 तारीख को इसको लगाया था, और ये देखिए कि इसका रूट काफी अच्छा हो ग्रो हो गया है। दोस्तों, मैंने इसमें रूटिंग हार्मोन्स यूज किया था, और जो
मेरे रूटीन हार्मोन्स की वैलिडिटी थी, मैंने 2018 में जनवरी में लिया था जो कि 2020 में एक्सपायर हो चुका है उन लोगों के अनुसार जिन्होंने मुझे ये दिया, लेकिन इससे लगता है कि ये जो रूटीन हार्मोन्स होता है वो लगभग काफ़ी समय तक चलता है, क्योंकि मैं उसी को आज भी इस्तेमाल किया और रूट काफ़ी अच्छी विकसित हो गई है, तो मैं इसको इसमें इसे मैं पानी डाल दूंगा। आइए दूसरी को भी देखते हैं। इसकी तो नहीं हुई है लेकिन इसमें स्प्राउट हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, ये काफी बड़ी है और इसकी भी लगती है कि रूट हो गया है। देखते हैं, ये देखिए इसकी कितनी अच्छी रूट हुई है। और ये देखिए ये ज्यादा दिन का नहीं है दोस्तों, 12 से 15 दिन के भीतर का ही ये रिजल्ट है। यानी कि ये देखिए मेरे बहुत सारे लग चुके हैं। इस बार इंग्लिश रोज की कटिंग इतनी अच्छी तरह से और इतनी जल्दी लग गई कि मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है, और इसमें खराब भी हुई है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें सारे इंग्लिश रोज की कटिंग। इसमें भी कंफर्म है कि ये सब सारी जो है ये अभी मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, इसे 10 दिन के बाद मैं अलग अलग धीरे धीरे लगाना चालू करूंगा, तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए तो इसमें कुछ खराब भी हुए हैं लेकिन मेरा 90% सही अब इस बार हो जाएगा, तो ठीक है दोस्तों। और ये देखिए मैंने जो दो इंग्लिश रोज की कटिंग थी जिसे मैंने काफी छोटा था ग्रो किया था, और इसमें गाय के कंडे और सैंड में लगाया था, इसमें मिट्टी मिक्स भी नहीं किया था, तो देखिए इसमें अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है और दूसरे वाली की भी अब धीरे धीरे स्प्राउट हो रही है। तो मैं तो ये तो सॉइल बनाया था लेकिन मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट यही है कि कटिंग ट्रे में ये मेरा काफी अच्छा, और ये जो प्लांट है बिल्कुल ये वाला प्लांट है, इसी का मैंने ये देखिए इसकी जो है मैंने इसी की कटिंग इसको ग्रो किया है। तो ठीक है दोस्तों आप भी ग्रो कर सकते हैं, तो और दोस्तों मैं रूटिंग हार्मोन्स तो दोस्तों ये देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1/18 है और 1/20 को ये एक्सपायर कर जाएगा, इसका एक्सपायरी डेट है जो कि मैं 21 के नवंबर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी मुझे रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आ रहा है, तो मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी रूटिंग हार्मोन हो वो जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टी है, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।